बॉलीवुड में इतिहास में हुई कई बड़ी घटनाओं को लेकर फिल्म बनाई जा चुकी है। अधिकतर लोग इन मूवीज को कभी कभी पसंद भी कर लेते हैं। ऐसे ही इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना भीमा कोरेगांव को लेकर मूवी बनने जा रही है। फिल्म का नाम द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव बताया जा रहा है। फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल इसमें महार कम्युनिटी के बहादुर योद्धा के किरदार में होंगे। यह फिल्म अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुए भीमाराव कोरेगांव युद्ध पर आधारित होगी। आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव की घटना को इतिहास में हुई काफी बड़ी घटना की तरह देखा जाता है। इतिहास में दर्ज यह लड़ाई 1 जनवरी 1818 में हुई थी। इस युद्ध में 28,000 की पेशवा की सेना को मात्र 800 मराठा दलितों की सेना ने हरा दिया था। अंग्रेजों और महार योद्धाओं की 500 सैनिकों की टुकड़ी ने मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिकों से 12 घंटे तक लोहा लिया था और अंत में जीत हासिल की थी। फिल्म का डायरेक्शन आसू त्रिखा करेंगे। भीमा कोरेगांव की घटना को आज भी एक खास समाज के लोगों द्वारा याद किया जाता है। महाराष्ट्र में एक खास समाज आज भी उस युद्ध में महार योद्धाओं को मिली जीत को सेलिब्रेट करता है। एक खास समाज इस जीत को पेशवा द्वारा किए गए जातिगत उत्पीड़न और अन्याय पर जीत का प्रतीक मानता है। हर वर्ष इस मौके पर एक खास समाज के लोग इस युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। हर साल इस मौके पर काफी लोग जुटते हैं। भीमा कोरेगांव पर बनाई जा रही इस फिल्म में यह देखना होगा कि फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल फिल्म और अपने किरदार के साथ कितना न्याय कर पाते हैं, मतलब वह अपने किरदार को किस प्रकार निभाते हैं। आपको बता दें कि ऐतिहासिक घटनाओं या उस समय के दौरान प्रचलित लोगों और राजाओं महाराजाओं पर पहले भी फिल्म बन चुकी है, जोधा अकबर, लैला मजनू, मुगले आजम आदि। इसके अलावा और भी कई मूवीज हैं, सबका नाम लेना अभी व्यवहारिक नहीं होगा। वही महार योद्धा का किरदार निभाने वाले अर्जुन रामपाल की बात करें तो यह पहली बार नहीं होगा जब वह किसी पीरियड ड्रामा फिल्म में नजर आएंगे। इससे पहले वे जेपी दत्ता की इंडो चाइना वॉर पर आधारित फिल्म पलटन में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा अर्जुन पवन कल्याण की बिना शीर्षक वाली फिल्म में औरंगजेब के किरदार में नजर आने वाले हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।